धाम से, हम जो कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग्स हुई है जिसमें कश्मीरी पंडित और एक ओबीसी के टीचर पर कातराना हमला हुआ और कुछ जो बाहर के मजदूर लोग थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पहुंचे हुए थे उनका कत्ल हुआ, ये एक इंसानियत के बिल्कुल विरुद्ध है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और गवर्नमेंट की भी हम कड़े निंदों से गवर्नमेंट कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो पूरी तरह वहाँ विफल हुई है कि आम आदमी को सिक्योरिटी, उसकी लाइफ और जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करने में बिल्कुल विफल रही है। और दूसरा उन पर एक सबसे बड़ा जो हमें जम्मू प्रांत के लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि वहाँ जब ये किलिंग हुई वहाँ से बहुत सारे मुलाजम भाई जो कश्मीरी पंडित भी थे, जम्मू के रहने वाले जो नॉन कश्मीरी थे वो भी सारे उस डर के वजह से भाग करके अपने अपने जम्मू प्रांत में अपने अपने घर आ गए। गवर्नमेंट ने भी एक आर्डर निकाला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिसने कश्मीरी पंडितों को ये कह करके उनको अलाउ कर दिया कि वो अपने घरों में बैठ करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट ड्यूटी है वहाँ ही लग जाएगी। लेकिन उसके बाद जम्मू के प्रांत के लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं किया कि वो भी टीचर्स, लेक्चरार या प्रोफेसर जो वहाँ से आए हैं या दूसरे मुलाजिम जो दूसरी डिपार्टमेंट से काम करते हैं उनके साथ भेदभाव का ऑर्डर किया, उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं है। उनको उनके डिप्टी कमिश्नर्स उनको ये कह के बुला रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, उनके स्कूल के इंचार्ज उनको बुला करके उनको कह रहे हैं कि अपनी अपनी क्लासें लें। जब इस तरह का इनसिक्योरिटी का माहौल है तो इस हालात में ये हमारे भाई जो जम्मू के लोग हैं ये मुलाजम वहाँ जाके कैसे नौकरी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की शुरू से ये एक पॉलिसी ऐसी रही है डिवाइड एंड रूल की, और जो डंडे वाले लोग हैं उनकी फटाफट सुनते हैं, जो गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं है इसलिए उनकी कोई बात नहीं करता। अगर इन्होंने ऑर्डर करना ही था तो तमाम लोगों के लिए करते, कश्मीरी पंडितों के लिए अगर किया तो दूसरे इनके दुश्मन नहीं। अगर बीजेपी सरकार ये सोचती है कि हम सिर्फ पंडितों के बल पर हम अपना राजपाट संभाल लेंगे तो ये गलतफहमी में है। जम्मू के लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि बीजेपी जो है वो जातिवाद और मजहबी तौर पर लोगों को बांट करके राज कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे मोदी जी नारा देते हैं कि सबका विकास सबका साथ, तो सबके लिए ऑर्डर एक होना चाहिए। इसके लिए